एक्चुअली बूदी ना सच में एक सही स्टेशन है, यहाँ पे रुक के आप टी ब्रेक लंच ब्रेक करके आगे बढ़ो, क्योंकि इसके आगे आपको गुंजी तक मिलेगा नहीं कुछ। भाई ये अपडेट देख लो, शिया लेक की तगड़ा रश है यहाँ पे तो चेकिंग के लिए। ये वाला पैच देख रहे हैं भाई, ये भी खतरनाक वाला पैच है जो अपना शिया लेक से है, बूदी से कह रहे हो आप, बूदी से गुंजी के बीच ये वाला पैच है खतरनाक। रोड देखी हुए वो सामने देख रहे हैं पर्वत, ये सेम डिट्टो आदि कैलाश की तरह दिख रहा है, कैलाश पर्वत की तरह। कुछ यूं ही मंजिल मुकाम होती है, हौसलों से ही तो उड़ान होती है, ठहरा क्यों है चल, यूं ही तो मंजिल आसान होती है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्सअप, इट्स मी शीतल राणा एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा हम पहुंच चुके थे बूदी में, तो अभी हम बूदी में ही हैं और बूदी में यहाँ पे लंच ब्रेक हो चुकी है और यहाँ बूदी से अब बढ़ गए हम कुंजी की ओर और आदि के लास्ट देखते हैं कोटी पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, क्योंकि रोड ना एकदम पहले से काफ़ी हद तक सही है इस बार रोड। और अभी थे हम यहाँ पे बूदी में, यह है शिवालय भोजनालय, तो यहाँ दीदी के पास सारा आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल जाए। तो फाइनली गाइज यहाँ पे एक अच्छी खासी लंच ब्रेक लेने के बाद ना निकल रहे हैं आगे गुंजी की ओर, तो चलो फिर बढ़ते हैं, लेते हैं भोले बाबा जी का नाम, हर हर महादेव। एक्चुअली बूदी ना सच में एक सही स्टेशन है, यहाँ पे रुक के आप टी ब्रेक लंच ब्रेक करके आगे बढ़ो, क्योंकि इसके आगे आपको गुंजी तक मिलेगा नहीं कुछ, गुंजी के आसपास ही जाके आपको कुछ खाने को मिलेगा इसके बाद, तो वहाँ तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यहीं फुल होके निकलो और फिर रात को डिनर आप गुंजी में करो, मच बेटर। और ये रोड भाई सही बन गई है, क्या बात है। यहाँ पे जैसे दीदी बता रही थी कि आगे जो लिपू लेक है ना वो फेमस थी ट्रेडिंग के लिए, मतलब वही वाला एरिया था जो ट्रेडिंग होती थी पहले चाइना और इंडिया के बीच, तो ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था वो लिपू लेक। वो लास्ट है, वो अभी खोली नहीं गई है इंडिया के लिए, वो खुल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा वहाँ तक। तो वो जो नया क्या ये वाला रोड ही मतलब लिपू लेक आगे ओम पर्वत से होके लिपू लेक, पर लिपू लेक खोला नहीं है अभी, जाने नहीं देते हैं वहाँ पे। ये जो नया रोड बन रहा है ना कैलाश मानसरोवर वाला, तो ये लिपू लेक होके आई थिंक उधर से घूमेगा। भाई नीचे से चढ़ते चढ़ते ना पूरे पीक्स पे आ चुके हैं, देख लो ये लूप्स ना भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और लूप्स भी ऐसे लूप्स हैं ना, छोटे मोटे लूप्स नहीं, तगड़े वाले लूप्स हैं ये, जो लद्दाख के गाटा लूप्स हैं ना वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, बट ये जो नए रोड आदि कैलाश वाले हैं ना ये बहुत छोटे छोटे हैं और एकदम से मोड़ मोड़ के। यहाँ से नीचे देखो, ओ है बूदी नीचे भाई, ओ देखो, ओ भाई है ना डेंजरस। ओ भाई साहब, भाई चेक पोस्ट पे रश देख लो शिया लेक की, और लास्ट टाइम यहाँ पे इक्का दुक्का बंदे थे, बट इस बार ना पूछो मत। भाई ये अपडेट देख लो शिया लेक की, तगड़ा रश है यहाँ पे तो चेकिंग के लिए। ये देख लो यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तो
हाँ जी ठीक है सर, जय हिंद। ओ भाई शेयर लेक में देखा हाल क्या था भाई, चेक पोस्ट पे कम से कम 100 बंदा खड़ा हो गया था, गाड़ियों की पूरी लाइन लगी थी पीछे तक भाई। बड़ी मुश्किल से ना सर को बोल पाल के कि हम बाइक्स पे हैं भाई, कर लो कृपा हमारे ऊपर थोड़ी, नहीं तो आगे फंस जाएंगे हम। फाइनली GL1 से अपनी एंट्री हो चुकी है और वो देख रहे हैं उधर को जाएंगे, वो नीचे सड़क जो दिख रही है वो देखो। सामने देख रहे हैं ये चीफ इंजीनियर की गाड़ियां हैं आर्मी के की, तो आप उन इनका फायदा उठा रहे हैं, इनके पीछे लगा दिए मैंने बाइक। पूरा रोड क्लियर मिलेगा देखना आगे तक। मैंने तो काली गाड़ियों के पीछे लगा दी थी पूरी तरह से, मैं अगले क्लियर मिल रहा रास्ता रख गई। तो यहाँ पे ना GL1 के बाद यहाँ भी है चेक पोस्ट, यहाँ पर भी आपकी एंट्री होगी तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। मैंने तो काली गाड़ियों को पीछे लगा दी थी। हवा चलनी है, ठीक है हवा चलना, ये बादल साफ हो जाएंगे ना सुबह तक। तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ भी चेक पोस्ट होगी, बट यहाँ भी है भाई। भैया ने सही बताया था कि 8 से 10 जगह आपकी चेकिंग आराम से होगी। ये वाला पैच देख रहे हैं भाई, ये भी खतरनाक वाला पैच है। बूंदी धारचूला से जब बूंदी आते हो ना आप, तो बीच में एक पैच है खतरनाक, और अगर जो अपना GL1 से है बूंदी से कह रहे हो आप, बूंदी से गुंजी के बीच ये वाला पैच है खतरनाक बिल्कुल ना। फर्स्ट गियर में चढ़ा दी भाई हमने, आगे देख रहे हैं धूल। ओह हो, फिर योगी भाई ने गाड़ी के पीछे लगा दिए, गाड़ी के पीछे ना सारा गलत सीन हो जाता, इतनी धूल होती ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब बुद्धि से पीछे थे ना वहाँ भी चढ़ाई हुई ना, योगी भाई ने गाड़ी के पीछे लगाई थी और गाड़ी के प्रेशर धूल इतनी उड़ी ना टायरों से कि कुछ दिख ही नहीं रहा था रोड का। ये पैच है और एक पैच थोड़ा सा आगे है जो कि खतरनाक है, ये देख रहे हैं पैच भाई साहब, पैच है कि हॉच पॉच है। ऐसी जगहों पे ना आपका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपका माइंड ही आपको पुश करता है और कंट्रोल करने के लिए वो स्किल्स ना तभी काम आती है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल रख सकोगे। सामने जो दिख रहे हैं ना ये सारा का सारा परे को जो दिख रहे हैं, ये गुंजी है, गुंजी का एरिया है सारे का सारा, देखो आप। ओ भैया जी अब तो मेरे को तुम वाइट कर दोगे, सारा पाउडर मेरे लिए है क्या, मुझे आगे बढ़ो। भाई साहब गाड़ी खुद पूरे रोड के बीचों बीच कवर करके चल रहे हो और मेरे को बोल रहे भाई तू रॉन्ग साइड जा रहा, भाई मैं तो रोड के बाहर ही चला गया। अब देखो वो अपने योगी भाई देखो गाड़ी कैसे लगा रहा है, यार हद है यार बंदे की भी। एक तो रोड की हालत वैसे ही ख़राब है, मेरे को बोलता भाई तू रॉन्ग साइड से क्यों जा रहा, मैं कहा सर अगर आप बीच रोड में चलोगे बिल्कुल गाड़ी को लेके तो भाई मैं ना आर हूँ ना पार हूँ, पास तो लूँगा ही कहीं ना कहीं से। हद है यार, ये तो लोकल की दादागिरी होगी ना बिना वजह की।
अब देखो अंकल का देखो, इधर देखो, रोड देखो आप, रोड कितना खाली है अंकल, देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। अब फिर बोलेगा मेरे को तो पास ले रहा है। हद यार, लोगों की सोच की भी ना हद, दाद देनी पड़ेगी भाई। तो ये पीछे, ये सीधा पीछे जो रास्ता था वो चला गया गुंजी के लिए, और अभी हम जा रहे हैं आगे कुटी विलेज की ओर। हर हर महादेव। एक्चुअली मैंने गुस्सा भी नहीं किया, मेरे को गुस्सा आया भी नहीं था, पर अंकल बिना वजह के ही बोलने लग पड़े यार, हद होती है किसी चीज़ की। वहाँ तो रॉन्ग साइड से पास ले रहा, अब भी मैंने रॉन्ग साइड से ही पास लिया, मैं एग्री करता हूँ, बट रॉन्ग साइड से मैंने तब पास लिया जब आप वहाँ पे एक गाड़ी निकल सकती है भाई, मेरे पास तो बाइक है यार। चलो भाई इन खूबसूरत वादियों को देखो आप, बाकी छोड़ो, गुस्सा नहीं करते महादेव के धाम आके। जय महादेवा। आजकल ना एक्चुअल में सीजन टाइम ना फुल पैक है, नावी गुंजी एकदम से पैक है पूरा का पूरा, बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं भाई यहाँ तो, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। चल हैं कहाँ, ओ है, चल निकल जा, यहाँ ना फोटोग्राफी चल रही है। क्या हुआ मैं जाऊं? भाई वाटर क्रॉसिंग देख रहे हो, तेरी हो रे बबू है वाटर क्रॉसिंग भीगा जूता। चल ओ भाई वाटर क्रॉसिंग थी तगड़े वाली, जूता भीगा, आराम से भाई, वही ट्रिक काम करता है, पैर नीचे लगाने से कभी मत डरो। इतने बड़े बड़े पत्थर थे, कुछ नहीं बोल सकते, पूरा रोड ना नदी के किनारे किनारे है, और आय हाय और रोड की कंडीशन ठीक है, आप ठीक बोल सकते हो यहाँ के हिसाब से, पक्का तो नहीं बोलूँगा, बट ये जो है ना ये कंडीशन भी मच बेटर होती है, ये जो कंडीशन होती है ना बेटर होती है यार, क्योंकि तो बिल्कुल ही मिट्टी खड्डों वाला रोड उससे तो ज़्यादा अच्छा है भाई। व्यू देखो यहाँ पे, ओ आई थिंक कुटी विलेज, और दिख रहे घर दिख रहे, यहाँ ऐसे ऊपर को रास्ता ऐसे है ना, वो सामने देख पा रहे हैं आप, ये सारे का सारा एरिया है कुटी विलेज का, देख रहे हैं कितना सुंदर गांव है, और यहाँ पे रुके थे पांडव। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना ये बिछा रहे हैं ये मेटल पूरी। हाँ योगी, तो ये एक अभी ना फ्रेश मेटल डाल रहे हैं ऊपर, तो उसकी वजह से सारी गाड़ियाँ रोकी पड़ी हैं यहाँ पर। छोड़ दन रे मेरी बाइक है सर, उधर आगे तो नहीं भेज रहे, ये है भाई लोग कुटी विलेज। तो फाइनली कुटी गांव से ना
चेक पोस्ट से परमिशन मिल गई है फाइनली भाई लोगों। और यहाँ पे थोड़ा हॉच पॉच, आई थिंक जितना जितना आगे हम जाते रहेंगे ना उतनी ठंड भी बढ़ती रहेगी। साथ ही मेरा, हाँ जी, अभी तो वापस कहाँ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई, विंड ब्लास्ट ना इतना तेज हो गया ना कुटी के बाद कि हाथ फ्रीज होने लग पड़े हैं। तो यहाँ पे ना कपड़े चेंज किए मैंने और योगी भाई ने, और ग्लव्स भी ना दूसरे वाले चाहिए अब। यहाँ से भी अभी आगे जो बेस है ना आदि के लास्ट बेस, वो है 14 किलोमीटर। तो चलो फिर, चलो योगी भाई खिंचो खिंचो, बढ़ो आगे धीरे धीरे, चलो इधर खड़के तो ठंडे हो जाएंगे। एक्चुअली वहाँ बहुत ज़्यादा हवा थी, उफ, पर कपड़े चेंज कर लिए, नाउ फीलिंग मच बेटर यार। चलो फिर बढ़ते हैं आगे बेस कैंप की ओर, आदि कैलाश बेस कैंप की ओर। रोड कंडीशन सही है एकदम, जैसा आप देख पा रहे हैं। हर हर महादेव, वाह वाह वाह। तो सामने देख रहे हैं पर्वत, वो सामने वाला पहाड़, ये सेम डिट्टो आदि कैलाश की तरह दिख रहा है, कैलाश पर्वत की तरह। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। वो सामने देख पा रहे हैं आप, कुटी के बाद ना कुछ रोड तो मेटल है, बट उसके आगे का रोड ना ऐसा है, ऑफ रोडिंग है सारे का सारा, बट कंडीशन ठीक है, बट सारा देख रहे हैं आप ऐसा ही है, मेटल नहीं है, बस डग 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 डग। कुटी के आगे ना, अब इस जगह का मेरे को नाम तो नहीं पता, आई थिंक, बट यही ITBP का बेस कैंप है, और इससे आगे पता नहीं कहां तक जाने देंगे। सुबह दर्शन कब, आज ही जा रहे क्या? फाइनली गाइस बिल्कुल नीचे बेस कैंप में पहुंच गए हैं आदि कैलाश के, और ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का था। नीचे मेरी सांस देख रहे हैं ना आप भाई, ये देख लो थोड़ा हाल, दो रजाइयाँ, दो कंबल, और ये योगी भाई तो गायब हैं भाई कंबल के नीचे, ये हैं भाई, निकल गए योगी भाई भाई अभी शक्ल थोड़ी हंसने वाली है, थोड़ी देर बेहोशी हो लग रहा है, बर्फ में सोए भाई। नीचे टेम्परेचर था अराउंड 40 डिग्री, 35 से 40 होगा, और यहाँ का टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री के बीच, 10 मान लो, 10 0 से 10 के बीच। शक्ल देख रही है, पूरे लाल हो गए हाथ, देखो वाइट एकदम से, ऊपर से लाल, ये देखो धुआं निकल रहा है मुंह से, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आते आते ही दर्शन हो गए थे, सीधे ही नज़र पड़ी ऊपर और सीधे कैलाश के दर्शन हो गए। और सबसे अच्छी बात थी कि जो सूरज की किरणें थी ना जाते सूरज की, वो बिल्कुल कैलाश के ऊपर पड़ रही थी, मतलब वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। बट अभी सुबह ऊपर जाएंगे गौरीकुंड, और वहाँ से फिर वह एक बार अच्छे से दर्शन करेंगे कैलाश के। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, होप फॉर द बेस्ट कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो राइड चल रही है आदि कैलाश राइड, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ द शीतलाना साइनिंग ऑफ, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट ड्यूरिंग योर राइड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। बाय बाय।